जी दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ जी। रीपर में जैसे इसके दो ब्लोअर हैं, एक पंखा ये है जी, एक ये है, ठीक है जी। एक मैं आपको और दिखाता हूँ, रीपर है वो भी केएस का, लेकिन उसमें क्या है जी, ये पीछे ब्लोअर हैं जी, तीन है इसके, ठीक है जी। जैसे इसके तीन है ब्लोअर, एक दो तीन, ठीक है जी। लेकिन ये बहुत ज़्यादा ये चीज़ कामयाब नहीं हुई। लेकिन हाँ जी दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी एक और नई वीडियो में। आज आपको लेके आ गया हूँ जहाँ पर बिल्कुल जेन्युइन रिव्यू करेंगे, क्योंकि ना तो यहाँ पर रीपर का कोई ओनर है, ना कोई इस ब्रांड का ओनर है। क्योंकि अगर हम किसी दुकान पर जाते हैं तो वहाँ पर क्या रहता है, अगर केएस का रीपर खड़े हैं तो केएस की तारीफ़ करने लग जाते हैं दुकानदार, और अगर जाते हैं लैंड फोर्स पे तो लैंड फोर्स की। यहाँ पर हर एक तरह का रीपर खड़ा है, नॉर्थ एग्रो, केएस, केएस, लैंड फोर्स। और मैं आपको एक बार दिखा दूँ कौन कौन से रीपर खड़े हैं दोस्तों। ये हैं जी जगत जीत का पुराना वाला मॉडल, और यहाँ पर है जी केएस, केएस, लैंड फोर्स, विश्वकर्मा। मतलब कहने का जी, यहाँ पर अगर 10 रीपर हैं तो उसमें से 8 हमारे यहाँ केएस के हैं। केएस और लैंड फोर्स की ज़्यादा मार्केट है हमारे यहाँ पर उत्तराखंड में। और चलो जानने की कोशिश करते हैं जी मिस्त्री साहब से कि वो क्या कहते हैं। हाँ जी दोस्तों, मैं यहाँ पर मिस्त्री साहब को साथ में ले आया हूँ। हम इनसे ये पूछने की कोशिश करते हैं, उधर को चलते हैं, देखते हैं धीरे धीरे कि अगर हम किसी एक ब्रांड का नाम लें तो मिस्त्री साहब आप ये बताओ कि किसका नाम लोगे इन सब में से। सबसे बढ़िया तो वैसे केएस ही है। अच्छा जी, हाँ। क्या क्या खासियत क्या है इसमें? केएस की खिंचाई अच्छी है, खिंचाई तगड़ी है। हाँ। ये अब पहले तीन ब्लोअर वाले आते थे, लेकिन अब दो वाले ज़्यादा लोग पसंद कर रहे हैं, ऐसी वजह क्या है? तीन वाला इसलिए, तीन वाले में बैरिंग की शिकायत आती है ज़्यादा टूटने की, बैरिंग टूटते हैं तीन वाले में। अच्छा जी, अच्छा भाई साहब एक बात और बताओ कि जैसे केएस की खिंचाई ज़्यादा है, और ये विश्वकर्मा भी काफ़ी मशहूर है अपने आप में, और इसकी विश्वकर्मा की खासियत बता दो, कोई कोई खासियत हो इसमें, कोई बढ़िया चीज़ हो विश्वकर्मा में भी। नहीं, विश्वकर्मा का जो मटेरियल लगा हुआ वो बहुत हैवी लगा हुआ है। विश्वकर्मा का मटेरियल हैवी है, और खिंचाई कैसी है इसकी? खिंचाई ठीक है इसकी भी, अच्छा का मुकाबला करता है ये भी, केएस को टक्कर देता है। हाँ। मतलब हम कह सकते हैं ये चीज़ कि भाइयों, अगर आप केएस नहीं लेना चाहते हो तो विश्वकर्मा भी ले सकते हो। ठीक है, और लैंड फोर्स के बारे में क्या विचार है आपका? लैंड फोर्स भी ठीक है वैसे, ये वैसे हैवी चलता है, ज़्यादा भारी चलता है। हाँ, भारी चलता ये है, मैंने कईयों से सुनी है ये चीज़। हाँ। कि ट्रैक्टर को लोड लेता है, ट्रैक्टर लोड लेता है ना। ठीक है, ठीक है, चलो ये तो अपडेट मॉडल है, जो आज के समय में तीन मॉडल चल रहे हैं, ये तो अपनी होगी आज की बात। लेकिन ये थोड़ा सा अगर हम इसके बारे में बात करें, जग्गी कंपनी का पुराना पड़ा जो, इसके बारे में आप कुछ क्या कह सकते हो जी? ये भी ठीक है वैसे। अच्छा, अच्छा, इसमें थोड़ा अंदर से बताना जरा, ये क्या सिस्टम है इसका, जाल वगैरह? ये थ्रेशर है अंदर का, जिसमें ब्लेड फिट होते हैं ये। अच्छा अच्छा, अच्छा इसमें यहाँ पर ब्लेड नहीं है। हाँ। अब जो नया आ रहा है उसके यहाँ ऊपर भी ब्लेड है, उसमें केएस में दे रखे हैं एक साइड में, और लैंड फोर्स में नहीं है? ना, लैंड फोर्स। अच्छा, इसके यहाँ है। हाँ। और यहाँ साइड में भी नहीं है, नीचे है? नीचे है, नीचे है, नीचे। और जो अब मैंने और देखा है उधर केएस था, उसके ऊपर भी है, यहाँ पर भी है। हाँ। यहाँ पर भी है, और नीचे तीन जगह पर ब्लेड। हाँ, है जो घूमते हैं बीच में से, है ना, इसलिए उसकी खिंचाई तो ज़्यादा होनी है। नहीं, अगर हम किसी और रीपर की खिंचाई बढ़ाना चाहें तो उसमें क्या मतलब करना पड़ेगा? उसमें थोड़े से सरिये कम करने पड़ेंगे, मतलब जाल के जो। हाँ। जो सरिये कम करेंगे तो जैसे उसमें जो गैप ज़्यादा हो जाएगा तो खिंचाई ज़्यादा हो जाएगी, खिंचाई ज़्यादा हो जाएगी, मतलब इतने काम से खिंचाई ज़्यादा हो जाएगी ना। और ब्लोअर वगैरह की सेटिंग कोई नहीं? नहीं, ब्लोअर की कोई सेटिंग। अच्छा, ब्लोअर की कोई सेटिंग नहीं है। हाँ। सिर्फ जाल को खुला कर देने से ही खिंचाई जो है बढ़ जाएगी। हाँ, बढ़ जाएगी। लेकिन उससे एक चीज़ की और दिक्कत आ जाएगी ना, जो वो उसके वो भूसा है, वो भूसा भी तो मोटा हो जाएगा। एक दो सरिये में कमी डालनी पड़ेगी, ज्यादा। अच्छा, अच्छा। एक दो सरिये, मतलब थोड़ा बहुत। हाँ, थोड़ा बहुत। और अगर हम ज्यादा करेंगे तो भूसा मोटा हो जाएगा, भूसा मोटा हो जाएगा, वो भी तो चीज़ गलत है। हाँ। चलो ठीक है जी, जाल कोई खुला हुआ पड़ा हो तो दिखाओ जरा, पड़ा है उधर आपके यहाँ कोई? चलो दिखाओ जरा। अच्छा, ये बड़ा पुराना पड़ा हुआ दोस्तों, ये है नॉर्थ इंडिया। अच्छा, जैसे इसके तीन हैं वो मैंने दिखाया पहले, उसके दो हैं, ये कंपैन का सामान है ना। रीपर का जाल कौन सा जी? अच्छा, ये है जी, ये केएस का है, ये केएस का है, ये कंपनी से बना हुआ जाल है, ये बनाया हुआ बाद में, हमने बाद में बनाया है। और ये जो गैप है कंपनी, इतना ही आता है? कम कम आता है इससे, इससे भी कम आता है। आपने गैप बढ़ाया है ना,
और खिंचाई ज्यादा करी है। अच्छा, और अगर इसकी खिंचाई जैसे अगर किसी और रीपर की करनी हो तो उसका भी इतना ही गैप रख देंगे तो वो भी इसके बराबर ही आ जाएगा है। मतलब कहने का कि आपकी बातों से ये समझ आ रहा है कि जो कि ज़्यादा जो गेम है वो जाल का ही है, हैं? अगर जाल की जो गैप है, जो दूरी अगर सेट है बढ़िया करके बनी हुई है तो हमारा काम जो है सारा ओके रहेगा, मतलब खिंचाई जो है वो सही रहेगी है। चलो ठीक है जी। अच्छा थ्रेशर भी दिखा देते हैं एक बार, ये केएस का पड़ा ना। हाँ जी हाँ जी दोस्तों, ये है जी केएस कंपनी का थ्रेशर, बहुत ही घना यार, बहुत ही ज़्यादा ब्लेड है इसमें, ठीक है जी, ज़्यादा ज़्यादा ब्लेड है इसमें, बहुत ज़्यादा। ये है जी डबल फैन वाला, उधर है जी तीन वाला, जैसे कि मैंने आपको दिखाई दिया। अगर आप अपने भी रीपर की अगर खिंचाई बढ़ाना चाहते हो और भूसा भी आपका बारीक रहे तो आप थोड़ी थोड़ी जो उसका गैप है वो जाल का बढ़ा सकते हो, जिससे आपकी जो खिंचाई है वो भी बढ़ जाएगी और ट्रैक्टर भी आपका जो है वो आराम से चलेगा, ठीक है जी। एक बार मैं थोड़ा सा खुले हुए रीपर का अंदर से भी दिखाई दूँ आपको, क्योंकि नए रीपर तो दोस्तों हम देखते रहते हैं, पुराना भी देखते हैं अंदर से किस तरह का है। देखो जी किस तरह का है जी, मतलब कई भाई हमें पूछते रहते हैं कि जी रीपर अंदर से किस तरह का होता है जी, अंदर से इस तरह का रीपर होता है जी, ये जाल है, यहाँ से छनाई होकर दाने जो बच्चे कुछ नीचे चले जाते हैं ड्रम में जो कि आपके काम आ जाते हैं, ठीक है जी। और यहाँ से आप देख सकते हो जी गाइड ड्रम वगैरह आपको दिखाई दे रहा सामने, थ्रेसर इसका बाहर निकला हुआ और जाल भी बाहर निकला है, क्योंकि जैसे कि आपको मैं दिखा दूं दोस्तों ज़्यादातर रीपरों के जो हैं वो जाल और थ्रेसर ही बाहर हैं, क्योंकि जाल और थ्रेसर दो ही काम जो होते हैं वो जो मेन होते हैं, ठीक है जी। हाँ जी दोस्तों, मैं थोड़ा सा आपको फ़र्क दिखा दूं जी, ये है लैंड फोर्स का और इसमें एक तो ऊपर ये कवर, इसकी जो गेयर बॉक्स की फिटिंग है कुछ इस तरह सी है, उधर से सपोर्ट नहीं है, और अंदर का सिस्टम मैं आपको दिखा देता हूँ जी एक बार इस तरह का है, ठीक है। अब देखते हैं केएस की फिटिंग जो है वो गियर बॉक्स की किस तरह की है। ये पुराना मॉडल है, पहले वाला जो है वो इसका पहले वाला जो था वो भी उसी तरह की फिटिंग थी, ये देखो जी कोई सपोर्ट नहीं कुछ नहीं, लेकिन जो अब आ रहा है उसमें मैं आपको दिखाता हूँ उसमें सपोर्ट है इसकी, एक बार देखते हैं। नहीं जी खोल रखी है इधर से, हाँ जी सपोर्ट थी लेकिन खोल रखी है फ़िलहाल इसकी, ठीक है जी। ये है जी केएस का रीपर, हमारे इधर बहुत मशहूर रीपर है ये, विश्वकर्मा अंदर से किस तरह का बना उसको भी दिखाएंगे। हाँ जी दोस्तों, अगर हम बात करें केएस रीपर की थोड़ा सा, तो यहाँ से ये चेक करो जी, जो इसके बैरिंग वगैरह हैं बहुत ही हैवी है सिस्टम, मैं अभी आपको किसी और रीपर का दिखा देता हूँ, यहाँ से चेक करो जी बहुत हैवी सिस्टम है जी। अब मैं आपको एक और दिखाता हूँ नॉर्थ इंडिया का, यहाँ खड़ा उसका भी देखते हैं बैरिंग किस तरह के, बैरिंग तो दोस्तों लगभग एक जैसे ही हैं, बराबर ही हैं, शाफ्ट ठीक है। मिस्त्री साहब आना जरा। हाँ जी मंगे भैया काम कर रहे हो अभी, चल कर ला। चलो ठीक है जी, मिस्त्री साहब आपकी बात बढ़िया लगी है, चलो ठीक है जी मिलते हैं फिर। अच्छा दोस्तों, वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके बता देना, अगर मिस्त्री साहब की बात से संतुष्ट हो तब भी कमेंट करके बता देना जी, ठीक है जी। ओके दोस्तों, वीडियो का यहीं पर करते हैं एंड, मिलते हैं किसी नई वीडियो में, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।